मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग और पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ रहे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग, और जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड ऑफ सल्फर, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक जो आप पार्ट थ्री में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फॉस्फोरस के सारे कंपाउंड नेम लिखना, बॉन्डिंग बनाना, सल्फर कंपाउंड हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, क्लोरीन हम अब लोग डिस्कस कर रहे हैं, आगे बोरन पढ़ेंगे, फिर आगे सिलिकॉन का भी कुछ कंपाउंड पढ़ना है जो 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है, नीट के लिए, IIT मेन और IIT एडवांस, हर लाइन क्वेश्चन रहता है इसमें। तो जैसे आपने फॉस्फोरस कंप्लीट किया है, सल्फर बनाया है, नाइट्रोजन बनाया है, वैसे ही क्लोरीन स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट करेंगे ये हैलोजन, ये सेवेंथ ए फैमिली है, या इसको हम लोग 17 ग्रुप भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हैलोजन, जिसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टैटिन रेडियो एक्टिव एटम है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी क्लोरीन के लिए। जो कुछ भी जानते हैं, जो भी पहले आप जानते हैं वो सब नोट करते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ही पढ़ लेते हैं पहले। सेकेंड पॉइंट, जैसे ये ग्रुप नंबर है इसका 7A और ये है क्लोरीन, सो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, कोई भी एटम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर, तो इसका भी ग्रुप नंबर है 7, तो ये है ग्रुप नंबर, और इसका ग्रुप नंबर जो हो गया वो 7, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 कर लेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ग्रुप नंबर -8 जो रूल होता है साइंस का, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप नंबर और -8 होता है, ये 8, तो ग्रुप नंबर जो है वो 7 - 8 इज इक्वल टू -1, ये है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया। तो इस तरह हम लोग प्लान करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, सो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो ये इसका रेंज हो जाएगा, यहाँ पे रेंज स्टार्ट करेंगे हम लोग -1 to +7, यह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये रेंज हो गया। नेक्स्ट, वैलेंसी अलग है, वैलेंसी के लिए हम लोग प्लान करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें हम लोग वैलेंसी डिस्कस करेंगे, या आपको देखना हो तो मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे, तो चलिए मैं समझा भी देता हूँ आपको कुछ वैलेंसी, तो मैं सिखा देता हूँ। नाउ वी फॉर वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो है वो अलग होता है, ये वैलेंसी होता है 1 or 3 or 5 or 7, वैलेंसी कभी निगेटिव नहीं, कभी फ्रैक्शन नहीं, कभी 0 नहीं, तो वैलेंसी होल नंबर होता है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, वैलेंसी जो होता है 1, 3, 4, 5, 7, मतलब इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय क्लोरीन, सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाई क्लोरीन इन इट्स कंपाउंड, वन थ्री फाइव और सेवन,
So number of bonds formed by chlorine in its compound. So have 1, 3, 5 या 7 इतने बॉन्ड आप बना सकते हैं. अच्छा उसमें भी आपको पढ़ना सीखना है कि वन कब बनाता है, किस स्टेट में होता है. मैं समझा दे रहा हूँ, मैं समझाता हूँ. अभी मैं नोट करा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. तो ये देख रहे हैं जो वैलेंसी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी जो है वो है 1 हुआ और 3 हुआ 5 हुआ एंड 7. ये जो वैलेंसी देख रहे हैं, जो 1 वैलेंसी होता है वो ग्राउंड स्टेट के लिए बोलते हैं. 1 वैलेंसी जो होगा वो वैलेंसिंग ग्राउंड ग्राउंड स्टेट वैलेंसी हो गया. थ्री होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइट मैं ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए. अभी भी फ्लक्चुएशन हो रहा है. अच्छा नोट करते हैं, थोड़ा सा नोट करते हैं कि ग्राउंड स्टेट और थ्री जो हुआ वो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. मैं समझा दूंगा इसका मतलब. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वैलेंसी. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी. नाउ ये जो फाइव देख रहे हैं वो फाइव जो होता है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी बोलते हैं. ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी है. और ये होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी. थर्ड एक्साइटेड स्टेट. वैलेंसी. सो 1, 3, 5, 7 वैलेंसी जो होता है 1, 3, 5, 7 वो भी आपका ग्राउंड स्टेट वैलेंसी है ये. और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और नेक्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी 7 होता है. क्या मीनिंग है मैं समझाता हूं आपको. मैं वैलेंसी आपको समझा देता हूं कि ये वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो है 1, 3, 5, 7 कैसे आ गया. ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता चल गया, रेंज मिनिमम मैक्सिमम शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं. और वैलेंसी है 1, 3, 5, 7. ये 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 7 बॉन्ड 5 बॉन्ड ये इतने ही बॉन्ड बना सकता है. और वो किस वैलेंसी के लिए एक्साइटेड स्टेट होता है वो आपको जानना है. और इसका मीनिंग क्या है मैं समझा देता हूँ आपको. फोर्थ पॉइंट, समझिए आपका फोर्थ पॉइंट में ऐसे समझना है कि ये जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अंदर 1s2, ठीक है. और ये है 2s2, ठीक है. और फिर लिखते हैं 2p6, ऐसा आप लिखते हैं. फिर आप लिखते हैं 3s2 और 3p5 ऐसे लिखते हैं. सो 2 एंड नाउ 10 हुआ और वहाँ 17 हो गया. तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं. थर्ड ऑर्बिट में आप जानते हैं db होता है, आप लिख लें 0 लिख सकते हैं, ठीक है. क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट सिर्फ 1s होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2s भी होगा 2p भी होगा, थर्ड ऑर्बिट आप जानते हैं कि 3s 3p 3d. आप क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर सब पढ़े हुए हैं कि आप जानते हैं एटम है, कोई भी एटम है. और अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s होता है. नाउ सेकेंड ऑर्बिट n का वैल्यू 2 करेंगे तो इसमें 2s भी होता है और 2p भी होता है. और जबकि थर्ड ऑर्बिट n का वैल्यू 3 करेंगे तो यहाँ होता है 3s और 3p भी होता है और 3d भी होता है. पहले ही 3d 0 हो, चलिए 3d 0 ही रहे क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट हो गया. तो आप ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन करना है. थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए इस तरह से, जैसे आप ऐसे समझिए यह है क्लोरीन 17 और बेटर मैं कर रहा हूँ यहाँ 1s2. सो 1s2 में ऐसे बना लेंगे 1s2. तो 1s2 का ऐसे, चलिए ऐसे ड्राइंग कर ले रहा हूँ मैं. 1s2 में ऐसे फिगर कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. फिर 2s2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. 2p6 में यहाँ पे है 6
सिक्स का मतलब हुआ टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गया। और फिर यहाँ पे थ्री एच टू, थ्री एच टू में यहाँ टू इलेक्ट्रॉन हो गया। और थ्री पी फाइव, थ्री पी फाइव में ऐसे कर लेंगे, फाइव कर लेंगे, और वन और टू थ्री और फोर फाइव, और थ्री डी जीरो छोड़ दीजिए ऐसे, थ्री डी जीरो ऐसे कंप्लीट ऐसे खाली रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आप ऐसे प्लान करेंगे, इस तरह से सोचिए कि ये जो है क्लोरीन है, और क्लोरीन एक बड़ा ज्वाइंट फैमिली है, बिग फैमिली, बहुत सारे रूम हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो है वो तीन, सोचिए कि क्लोरीन के तीन बेटे हैं, ये नंबर वन, ऐसे सोचिए नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तीन बेटे हैं क्लोरीन को, ठीक है, तीन बेटे क्लोरीन के हैं, वो वन और टू थ्री, ऐसे ये सेक्शन वन और ये टू और ये सेक्शन थ्री, तीन बेटे क्लोरीन के, ठीक है। तीनों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, घर का जो प्रॉपर्टी है उसको बांटना है, कितने लोगों में, तीन बेटे में, ठीक है। अब बोला गया कि जो शहर, ये जो शहर है या सिटी है, जो मेन शहर है, मेन शहर के एकदम पास, जो सेंटर में एकदम नज़दीक रहेगा, जो सेंटर के पास रहेगा, मेन शहर के एकदम प्राइम लोकेशन में रहेगा, उसको सिर्फ एक रूम मिलेगा, क्योंकि प्राइम जो मेन शहर के एकदम सेंटर में प्रॉपर्टी का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, इसको सिर्फ एक रूम मिला। जो शहर के आउटर एरिया में, जो शहर के आउटर एरिया में रहेगा, उसको चार रूम मिला, एक दो तीन चार, चार रूम का घर मिला। और जो थर्ड बेटा है उसको बोला गया कि अगर आप गांव में रहोगे, शहर से दूर रहोगे, ये शहर है, शहर से काफ़ी दूर रहोगे, तो उनको बोला गया कि वहाँ प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन थोड़ा कम रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नौ रूम दिया गया। इमेजिन करिए, कॉन्फिगरेशन जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हैं, क्लोरीन है, एक ज्वाइंट फैमिली है, तीन बच्चे हैं उसके, तीनों बच्चों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके पास प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बराबर रहे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको बोला गया फर्स्ट वाले को कि आप, छोटा फैमिली है आपका, आप शहर के सेंटर में चले जाइए, शहर के सेंटर में रहेंगे, प्रॉपर्टी बहुत महंगा रहता है, वहाँ आपको सिर्फ एक रूम का फ्लैट मिलेगा। जो शहर के आउटर साइड में रहेंगे उनको चार रूम का फ्लैट दिया गया। और बोला गया कि जो थर्ड बेटे को बोला गया कि अगर आप गांव में रहना चाहेंगे, दूर रहना चाहेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के हिसाब से आपको नौ रूम, पांच रूम और यहाँ तीन और एक, नौ रूम दिया गया। सब अपने अपने घर में चले गए, सब एग्री, सब लोग तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, छोटा फैमिली शहर के सेंटर पे रहेगा, बड़ा फैमिली थोड़ा आउटर साइड में, और जो बहुत बड़ा फैमिली था वो गांव चला गया रहने के लिए, सब हैप्पी, एक दूसरे के रिलेटिव है ना, वन टू थ्री, एक दो तीन, तीनों रिलेटिव हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब तो सेपरेट हो गए, सबका घर अलग अलग, सब लोग हैप्पी हैं। देखिए सब लोग हैप्पी हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए, ठीक है। तो घर चले गए तो इसी को फिगर को बोलते हैं कि यही जो फिगर दिखा बताया जाता है, यही जो सेट देखते हैं, यही साइंस का होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब सब अपने अपने घर में चले गए। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जब कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड में स्पेशली जो अनपेयर्ड है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे वन, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहीं से वैलेंसी हो गया क्लोरीन का वन फॉर ग्राउंड स्टेट। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी दिखाता है आपको, ठीक। अब समझिए, फिर सब अपने अपने घर में चले गए, सब लोग हैप्पी हैं, और ग्राउंड स्टेट वैलेंसी वन। जो फैमिली गांव चला गया था, ये फैमिली, ये वाला फैमिली गांव चला गया, कितने रूम उसको मिला, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन रूम मिला। कितने मेंबर रहने वाले, कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने लोग, सेवन, रूम कितना, नाइन, रह रहे हैं सब लोग ऐसे मिलजुल के रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अचानक क्या हुआ कि गांव, जो गांव का जो फैमिली है, तो गांव में थोड़ा मोड़ा कभी कभी लड़ाई झगड़ा होते रहता, जैसे ये दो किड, दो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों बच्चे गांव में जो थे आपस में लड़ गए,
लड़ाई हो गया, जो दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं जो एक रूम में रखा गया था, दोनों को बोला गया था कि एक रूम में पढ़ना आपको बैठ करके, दोनों लड़ गए, लड़ाई हुआ। लड़ाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्साइटेड स्टेट, फाइटिंग हो गया, मिलजुल के रह रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन वन वैलेंसी वन। अचानक जो गांव वाला जो बच्चा था, दो बच्चे एक रूम में हैं, अचानक फाइट कर लिए, पेरेंट ने देखा, पहली बार फाइट किए, ठीक है, पहली बार फाइट किए, पेरेंट आए, पेरेंट देखे कि अरे ये दोनों लड़ रहे हैं, इसको उठाए, पेरेंट बोले कि चलो 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 भागो, चलो हटाओ इसको, इसको उठा के बोले कि चलो उस रूम में जाओ, ठीक है। तो यहाँ सबसेट रहा, ये सबसेट रहा, पेरेंट आए, पेरेंट आ करके बोले कि मेरे पास तो बहुत रूम है, बहुत सारा रूम है, आप लोग लड़ाई करोगे तो चलो यहाँ भागो, इस रूम में जाके बैठो, अलग अलग हो जाओ, तुम लोग दोनों अलग अलग जाके पढ़ाई करो, ठीक है, अलग अलग पढ़ाई करो, ठीक है। तो पेरेंट आए, जब मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये साइंस का बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। जैसे ही फाइटिंग हुआ, ये इधर नहीं, गांव वाले साइड में, इधर गांव में एक रूम में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक लड़ गए, तो पेरेंट आए, उठा के बोले कि चलो भागो, इस रूम में जाके उसको शिफ्ट कर दिए, बोले तुम अलग अलग रूम में रहना आप। इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यही बैलेंस 3 हो जाता है, यही साइंस का, देखिए यही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये जो फिगर देख रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो हो गया वो 3 हो गया 3। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर से लड़ाई हुआ, फिर से लड़ाई। अब ये दो बच्चे थे एक रूम में, दो बच्चे ये हैं, ये लड़ाई किया और लड़ाई किया, तो पेरेंट आके आए, इसको उठा के बोले कि चलो यहाँ जाओ, यहाँ भागो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, मिलजुल के रह रहा था, पहली बार एक्साइटेशन हुआ तो यहाँ चला गया। नाउ वन टू थ्री, क्योंकि गांव में बहुत सारे रूम है बहुत सारा, तो वो अलग अलग रूम में शिफ्ट करते रहेंगे पेरेंट। अब देखिए इसको बोलते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तब, ये है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस फिगर को आप बोलेंगे कि ये है फिगर मेरा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आप देखेंगे तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो हो गया वो 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। एक बार फिर लड़ाई हुआ, एक बार फिर इस रूम में दो बच्चे थे, इन लोग लड़े, तो पेरेंट आए, उठा के बोले कि चलो इधर चलो। तो यही, इसी को साइंस में थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इस बार पेरेंट उठाया और बोले कि चलो आप इधर चलो, ठीक है। तो ये साइंस का थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये वैलेंस इज 7। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, वही वैलेंसी बनाता है, स्पेशली फॉर नॉन मेटालिक बॉन्ड में। और ये देखिए, ये फिगर देखेंगे तो इसी फिगर को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 7, ऐसा इस तरह से। तो ये फिगर है क्लोरीन के लिए, ये फिगर हुआ क्लोरीन का। आप जो वैलेंसी पढ़ते हैं कि ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो यहाँ से आया था। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ये लोग लड़ गया, मान लीजिए ये दोनों लोग लड़ गया, यहाँ इस रूम में लड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, जंप करके क्यों नहीं वैलेंसी हम लोग 7 की जगह 9 कर लेते हैं। बोलते हैं स्टूडेंट कि सर ये ऐसा करते हैं कि यहाँ ये दो लोग लड़ा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहाँ भेज देते हैं, यहाँ तो बहुत सारे रूम है, तो दो और बढ़ जाएगा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कर लेंगे। तो देखिए नहीं पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए इनके घर में लड़ाई हुआ, इनके घर में ऐसा लड़ाई हुआ तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन भागा, ये इलेक्ट्रॉन भागा और ये इलेक्ट्रॉन भाग करके यहाँ गया, इसके घर में गया। बट मैंने आपको क्या बोला कि मैं बोला कि प्रॉपर्टी तो बच चुका है, तीनों बेटों में प्रॉपर्टी तो बट गया है, तो रिलेटिव है 1 2 3, तीनों क्या है रिलेटिव है, तो रिलेटिव के घर आना जाना रहेगा, गेस्टिंग तो होता ही है, घर पे गए अपने अंकल के घर ये गया, बट उस घर में रह नहीं सकता, रहने का परमिशन नहीं है, जाना है,
लड़ाई झगड़ा, यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ तो लड़ाई झगड़ा में ये भागा, रूट करके यहाँ गया अंकल के घर, बट वहाँ रहना नहीं है, वहाँ एक घंटा दो घंटा बैठेगा, बैठ के फिर इसको क्या करना है, रिटर्न वापस आना है, क्योंकि ये दूसरे का घर है, ये दूसरे का अलग घर है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही तो पढ़ते थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, एनर्जी मिला तो जाएगा बट रुकेगा नहीं, वो लौट के घर वापस आएगा। आप पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लौट करके वापस घर आता है और बहुत सारे लाइन्स इमिट करता है, तो आप पढ़ते थे ना, तो इसलिए अगर इस घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जाएगा, अपना रिलेटिव है, इसके अंकल है, इसके घर में जाएगा, बैठेगा, दो तीन घंटे बैठेगा, बट रुकने का नहीं, ये नहीं कि परमानेंट वहाँ रहेगा, नहीं, वो रिलेटिव है तो जस्ट मिलेगा जुलेगा, थोड़ी देर बाद फिर रिटर्न कराएगा। इस घर में लड़ाई होगा, इस घर में है, इस घर में मेंबर रहने वाले 7 लोग हैं, रूम बहुत सारा है, रूम 9 रूम है, 7 मेंबर हैं, तो इनमें लड़ाई होगा तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वैलेंसी आप देखिए, मिलजुल के रह रहे हैं तो 1, थोड़ी पहली बार फाइट हुआ तो 3, दूसरी बार फाइट हुआ तो 5, तीसरी बार फाइट हुआ तो 7, यहाँ अगर फाइट हुआ इस घर में तो यहाँ से यहाँ जाएगा बट तुरंत इसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव है, रिलेटिव के घर परमानेंट कोई नहीं रहता, वो जस्ट जाएगा, मिलेगा, जुलेगा, वापस आएगा। तो इस तरह से आपको समझिएगा, एकदम इजी है वैलेंसी, आगे भी पढ़ेंगे। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं, ये फिगर जानते हैं, क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन में 3D0 लिख लेंगे, यहाँ तक बनाएंगे और बोलेंगे कि क्लोरीन के 3 बेटे थे, तीनों बेटों को प्रॉपर्टी बांट दीजिए, नज़दीक जो बेटा है शहर के एकदम नज़दीक है उसको एक ही रूम मिला क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का, थोड़ा दूर गया तो उसको 4 रूम मिला और जो गांव साइड में गया तो उसको 9 रूम मिला, गांव सब लोग अपने अपने घर में शिफ्ट होगा, ग्राउंड स्टेट, गांव में जो बच्चे थे 2 बच्चे थे ये फाइट कर लिए, लड़ गए तो पेरेंट्स शिफ्ट कर दिए उसको, बोले कि मेरे पास तो बहुत रूम है, 9 रूम है, रहने वाले 7 ही लोग हैं, आप लड़ोगे तो मैं हटा दूंगा, अलग अलग रूम में कर दूंगा, और यही हुआ साइंस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट आया, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट आया। इस तरह क्लोरीन का जो वैलेंसी, साइंस में वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी हो गया साइंस में 1, 3, 5, 7 और साइंस में इतने ही बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ऐसे वेरी करता, 1 से 7 के बीच में वेरी करता। ये वैलेंसी के लिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो ये था आपका वैलेंसी जो अब आप समझ में आ गया होगा, और अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो एक सल्फर बना के देख लीजिए, आप सल्फर बना के चेक कर सकते हैं क्योंकि सल्फर आपका कंप्लीट हो गया है, तो सल्फर आप चेक करके देख लीजिए। सल्फर का जो है मैं ले रहा हूँ 16 और ये मैंने 16 लिया है और 16 में आप बना सकते हैं 1s2 2s2 2p6, ऐसे बना के देख लीजिए, 3s2 3p4 3d0। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट हुआ जो आप पढ़ते भी थे, तो आप यहां से सीख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट हुआ, तो ग्राउंड स्टेट वैलेंसी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी ऑफ सल्फर जो होता है वो 2 होगी, ये है वैलेंसी ऑफ सल्फर। अगर यहाँ पे फाइट हुआ तो ये एक्साइट करके यहाँ चला जाएगा और जैसे ही एक्साइटेशन हुआ तो आप फिगर आप बना सकते हैं, ये एक्साइटेशन का मतलब जंप करेगा, यहाँ से जंप किया, ऐसे जैसे यहाँ से यहाँ जंप किया, नाउ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, वैलेंसी 4, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वैलेंसी ऑफ सल्फर जो हो गया वो 4 और फिर ये फिर से जंप किया और जंप किया तो ये आपका यहां से अनपेयर 1 हो गया,
यह है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी ऑफ सल्फर जो हो गया 6, ऐसे सो 2, 4, 6 हम लोग पढ़े हुए थे। तो अब आप बना सकते हैं जो सल्फर पर का बना सकते हैं, क्लोरीन का बना सकते हैं। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर, आप जानते हैं कि वैलेंसी ऑफ सल्फर जो होता था, हम लोग पढ़े थे कि 2 और 4 और 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, ये है -2 to +6 के बीच में ये। फास्फोरस करना है फास्फोरस कर लीजिए, तो मैंने समझा तो दिया, अब तो आप बना सकते हैं किसी का भी। फास्फोरस में देखिए, फास्फोरस में देखेंगे तो फास्फोरस में यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये ग्राउंड स्टेट, देखिए ग्राउंड स्टेट वैलेंसी जो है वो 3, फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट वैलेंसी जो हो गया वो 3, और अगर एक्साइटेड में ये यहाँ से जंप करेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5, बस 3 और 5 अदर नहीं, 3 और 5 यहां से जंप किया, सो 5, सो 3 और 5। सो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंसी आप करेंगे तो यहां पे 3 और 5, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5 तक जाता हो गया। तो सिर्फ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जैसे एक कोई भी मैं समझा दूंगा आप बना सकते हैं सर। नेक्स्ट क्लोरीन के बारे में, जैसे नेचुरल क्लोरीन पढ़ लीजिए। नेचुरल क्लोरीन जो होता है गैस है, रूम टेम्परेचर, ग्रीनी सेलो गैस है। आप इसके बॉन्डिंग आप बना के दिखा सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बना लीजिए। तो जो कुछ पढ़े हुए हैं, जो जानते हैं, सब क्लोरीन के बारे में बताइए। सो नेचुरल क्लोरीन, नेचुरल क्लोरीन है Cl2, डायटोमिक है, गैस एट रूम टेम्परेचर, सो एटोमिसिटी 2, सो ये है डायटोमिक। ग्रीनिश येलो गैस, ये ग्रीनिश येलो गैस है, रूम टेम्परेचर। क्लोरीन नेचुरल क्लोरीन Cl2 है और एटोमिसिटी 2, एटोमिसिटी 2 डायटोमिक है, डायटोमिक ये गैस होता है, ग्रीन येलो गैस है। आप बॉन्डिंग बना लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जो कुछ जानते हैं आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। सो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 1, म्यू डायपोल मोमेंट 0, एक नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो ये हो गया Cl2 के लिए। क्लोरीन तो हो गया, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, वो काफी इंपॉर्टेंट है।
bonding in oxyacetate of chlorine. Second point, oxyacetate of chlorine. Oxyacetate का मतलब oxygen containing acid of chlorine. Oxyacetate, oxygen containing acid of chlorine. Acids of chlorine. इससे काफी क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ क्लोरीन. चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत सारे चीजें डिस्कस करते हैं. नंबर वन, फोर एसिड पढ़ना है. ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड ऑफ क्लोरीन में फोर एसिड पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका. जैसे देखिए यहां पे HClO या HClO4 कर लेते हैं, फिर है HClO2 3 ऐसे, और फिर है HClO2 और HClO ऐसा. जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो ये है +5 ऐसे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो ये है +3, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो ये है +1 ऐसे, +1 चेक कर लीजिए. ठीक है, देखिए हाई ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वेरी हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द पर क्लोरिक एसिड. इसका नाम जो है अब पर क्लोरिक एसिड, हाई ऑक्सीडेशन नंबर जो हाईएस्ट पॉइंट पार्ट पे चला जा रहा है तो इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड. पर क्लोरिक एसिड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार हम लोग पढ़ेंगे, कई बार लिखेंगे भी. तो पर क्लोरिक एसिड, पर का मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. यह है क्लोरिक एसिड, इसका नाम हो गया क्लोरिक एसिड. यह है क्लोरस एसिड, अस का मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं. द क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड ये क्लोरस एसिड है, ये उससे भी लो है, क्लोरस अस से भी लो है, वेरी लो है. तो हाइपोक्लोरस एसिड, तो हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड तो नेम आपको जानना है, ये नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक का मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर, एक का मतलब ही होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ये पर लग गया ना, यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन नंबर, ये है एक का मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर, और पर का मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर कंटेन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. हाई ऑक्सीडेशन पर का मतलब या तो लिख सकते हैं वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, या कंटेन पेरोक्सी, पर वहां से नाम आया है कंटेन. जैसे इसमें है 5 और इसमें 3 ऑक्सीजन है, उसमें 1 ऑक्सीजन और आ गया. पर का मतलब कंटेन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, कंटेन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. एक जैसे इसके 3 है तो इसमें 4 हो गया. एक दोनों में है, एक यहां भी है, एक यहां भी है. यह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे भी थोड़ा हाई हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया. इसका मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन नंबर, यह है लो ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, यहां पे इसका भी हो गया लो ऑक्सीडेशन नंबर, और हाइपो लग गया. हाइपो का मतलब हुआ कंटेन लेस ऑक्सीजन, कंटेन 1 लेस ऑक्सीजन. जैसे इससे एक कम हुआ, हाइपो एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए. सब छोटा छोटा कोडिंग है जो कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं. तो कंटेन 1 लेस ऑक्सीजन, 1 लेस ऑक्सीजन एटम, देन अस एसिड. तो अस एसिड से एक लेस रहेगा, तो कंटेन 1 मोर ऑक्सीजन. यहां पे कर सकते हैं कंटेन 1 मोर ऑक्सीजन,
one more oxygen. One more oxygen atom, then compare to ic acid. तो ic acid से एक ज्यादा है तो ये पर हो गया और अस से एक कम रहेगा तो हाइपो हो गया. ये है रिजल्ट. तो ऑक्सीसाइड में बहुत सारे रिजल्ट हैं तो एक एक करके मैं प्लांट करता हूं आपका. नंबर टू, इनके बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे हम लोग तो इनसे बहुत क्वेश्चन आता भी आपका. ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे HClO4 देख रहे हैं, HClO4 ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं +7 और इसका नाम आप जानते हैं पर क्लोरिक एसिड. हम लोग ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में भी हम लोग एसिड अरेंज करेंगे. एसिड को, बेस को अरेंज करना है. ऑर्गेनिक में भी अरेंजमेंट है और इनऑर्गेनिक में भी अरेंजमेंट है. दोनों में एसिड बेस अरेंज करेंगे. ऑर्गेनिक में तो 100 है, इनऑर्गेनिक में 50 है. तो आपको जानना है कि पूरे साइंस में 1000 एसिड्स हैं. 1000 से भी ज़्यादा एसिड होंगे बट उनमें सबसे पावरफुल नंबर वन स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री यही है. यही जो परक्लोरिक एसिड है इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री. स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री. सो ये स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री. तो एसिडिक नेचर साइंस में जो है वो नंबर वन पे यही है HClO4. नंबर वन जो हजारों के बीच में नंबर वन पे ये है. नंबर टू भी जानना है तो HI, ये भी बहुत जरूरत पड़ता है HI का. तो ये है स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री. तो स्ट्रांगेस्ट एसिड नंबर वन पे HClO4 है. नंबर टू पे HI मैंने इसलिए लिखा है कि ये भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस में रखना है. HI हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं कि ये सेकेंड स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री. सो सेकेंड स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री ये है. सेकेंड स्ट्रांगेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री HClO4. थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है. इन चारों का एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना. IT एडवांस में भी आया हुआ है, मेडिकल में 10 बार कम से कम ये पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा. तो एसिडिक ऑर्डर, इनका एसिडिक ऑर्डर जो है. सो ये जो देख रहे हैं कि HClO और HClO2 और HClO3 और HClO4, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में, एडवांस लेते हुए IT मेन मेडिकल में हर एग्जाम में 2-3 बार रिपीट किया हुआ कि यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं. ये +1 +3, ये है +5 +7. हम लोग भी पहले पढ़े हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखिएगा उसमें सबसे पावरफुल जो है HClO4. वही पैटर्न फॉलो करना है. एसिडिक मोस्ट कॉमन रूल, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर. सो इनको अरेंज करेंगे तो एसिडिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नंबर वन पे आ जाएगा HClO4 और HClO2 और HClO. ये है ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर ऐसे अरेंज करना है. ये है पैटर्न. कभी कभी एग्जाम में इसी चीज को ऐसे पूछता है, इसी को अरेंज करेंगे तो एसिडिक ऑर्डर अरेंज करते समय ऐसे कर सकते हैं. HO एक साथ मिला लीजिए और Cl कर लीजिएगा, O3 कर लीजिए, ऐसे पूछते हैं कई बार. या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, HO को एक साथ मिला लेंगे और ClO2, ऐसे भी पूछा हुआ है. या HO को एक साथ कर लेंगे और ClO, या फिर HO को एक साथ करेंगे और Cl, ऐसे इस तरह से भी आप बना सकते हैं.
ये भी पैटर्न है, ये भी पूछने का तरीका है, ये भी है वही चीज़, चेक करिए वही चीज़ है। कई बार इनका एनहाइड्राइट पूछा जाता है, एनहाइड्राइट का मतलब एसिडिक, ऐसे पूछ देगा लोग। Cl2O7, देन Cl2O5, देन Cl2O3, देन Cl2O, ये है ऑर्डर, ये ऑर्डर अरेंज करना है। देखिए वही चीज़ है, वही सेक्शन है, वही टर्म है, आपको सब कुछ वही चीज़ें हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, ये है +7, यहाँ चेक करेंगे ये है +5, यहाँ चेक करेंगे +3, यहाँ चेक करिए +1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। 1, 3, 5, 7 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सब एक ही चीज़ है। कई बार नेम से पूछ देता है, तो 10 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको एसिडिक में। यहाँ नंबर 1 पे पर क्लोरिक एसिड, नंबर 2 पे क्लोरिक एसिड, नंबर 3 में क्लोरस एसिड, नंबर 4 में हाइपोक्लोरस एसिड, ये है। तो एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है और 10 टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसिडिक ऑर्डर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, ये नंबर 1 पे है, तो ये तो हमेशा याद ही रहता है, सबको पता रहता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग एग्जाम पर होता है कि हाईएस्ट पीएच 4, हाईएस्ट पीएच 4, NaClO, हाईएस्ट पीएच 4, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा हाईएस्ट पीएच 4 है, वही क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं, वही चीज तो है। अच्छा, आप पीएच नहीं जानते हैं, मैं समझा देता हूँ, कुछ तो पढ़े होंगे 10th क्लास में आप पीएच, 11th में तो बहुत है, 100 से ऊपर पीएच तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। तो पीएच इसको बोलते हैं, देखिए आप अगर आप नहीं जानते हैं तो ये समझिए, मैं साइड में कहीं वर्क कर देता हूँ। देखिए ऐसे होता है, ये एक स्केल होता है 7 और 0 और 14, ये पीएच स्केल बोलते हैं। इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये पीएच आएगा, तो पीएच इधर की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहा है, और जिधर पीएच जा रहा है उधर की तरफ बेसिक जाता है, ये बेसिक होता है, ये 7 to 14 बेसिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और 0 to 7 एसिडिक होता है। तो हाईएस्ट पीएच, पीएच मैक्सिमम का मतलब बेसिक, स्ट्रांग बेस चाहिए आपको। तो हाईएस्ट पीएच का मतलब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए एक स्ट्रांग बेस चाहिए, बेस तो बन जाएगा, आसान सा है। आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ये है +3 है, ये सॉल्ट ही है, सॉल्ट है तो उसे क्या फर्क पड़ता है, +5 है और +7 है। हम लोग जानते हैं कि ये पैटर्न नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पैटर्न जाएगा एसिडिक ऑर्डर जाएगा, नीचे की तरफ जाने पे एसिडिक चलता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक जाएगा। सो हाईएस्ट पीएच जो है वो ए है, 5। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पैटर्न फॉलो करेंगे तो सेम HClO4, HClO3, HClO2,
और HClO, ये है ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये हो गया पैटर्न। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे तो उल्टा कर लेंगे। वन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। सो पैटर्न उल्टा करेंगे, यहां पे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये है पैटर्न रिड्यूसिंग एजेंट का। सिक्स, बॉन्डिंग बनाइए। तो जरा इसका बॉन्डिंग बना के देखिए, तो क्योंकि बॉन्डिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो आप बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन जो आप जानते हैं HClO4, अब HClO4 के बारे में जो कुछ जानते हैं, अलग अलग सबका, पांचों का, चारों का बॉन्डिंग बनाना है, बना के देखिए। तो सो आप कंप्लीट करिए इसके बारे में। मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग, जो कुछ आप जानते हैं सब इसके बारे में बताइए। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। नेम बार बार लिखिए, चार बार, पांच बार, जितनी बार जरूरत हो नेम लिखते रहिए। सो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं कि हाइड्रोजन जनरली +1 हम लोग यूज करते हैं और ऑक्सीजन जनरली -2 यूज करते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें, तो ये है 1 प्लस, ये है एक्स प्लस, यहाँ पे है 4 और -2 इक्वल टू 0। सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स का वैल्यू जो हो गया वो +7। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो +7 है यहाँ पे ऐसा। यहाँ वैलेंसी ऑफ क्लोरीन पे लिख सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कि जितने, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 7 भी लिख सकते हैं और 7 वैलेंसी होता है। अभी आप पढ़े थे कि ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक, तो जो कुछ भी जानते हैं आप इसके बारे में आप प्लान कर लेंगे। HClO4 ये है +7 और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी हो गया। और यहाँ पर जानते हैं इसका नाम बोलते हैं हम लोग पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। सो ये इसका प्रॉपर्टी है, ये साइंस का नंबर 1 पे आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो जानते हैं आप लिखें ना उसके बारे में, अभी पढ़े हुए फिर भी लिखें, जस्ट बार बार लिखते लिखते से आपको ब्रेन में सब चीज़ें एकदम स्टोर होते रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री HClO4, द परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। और चलिए हाइब्रिडेशन, मैंने बताया था, सेप पूछा था इसको बनाने के लिए, तो हाइब्रिडेशन बनाना आप जानते हैं कि ये HClO4 और यहाँ पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और ये है 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 8 प्लस 24, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ 32 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी नंबर है 32 और डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो डायरेक्ट कट गया 4 और 4 बॉन्ड पेयर भी हुआ। आप बोल सकते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। आप जानते हैं कि इस केस में हाइब्रिडेशन जो हुआ sp3 हो गया और सेफ हो गया टेट्राहेड्रल, सेफ टेट्राहेड्रल। और साथ में आप देख रहे हैं कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इसमें 7 है, तो आपको सोचना है कि टेट्राहेड्रल बनाना है 7 बॉन्ड फॉर्म बाय क्लोरीन। ये भी आपको समझना है कि ये वैलेंसी 7 का मतलब 7 बॉन्ड्स फॉर्म बाय क्लोरीन, फॉर्म बाय क्लोरीन। सो 7 बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा।
प्लान करिए HClO4 में 7 बॉन्ड कैसे बनेगा, तो H O और Cl और डबल बॉन्ड ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बना लेंगे और डबल बॉन्ड ऐसे कर लीजिए। देखिए 7 बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडेशन भी हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल भी हो गया, सारा रूल फॉलो कर रहा है। इस पाई बॉन्ड को जो आप पढ़ेंगे ना, इस पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे ध्यान से, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड, ये देखिए आप जब वैलेंसी 7 पढ़े थे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट सीखे थे कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी 7 आ गया था। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में करने में आप देखे थे कि इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट करना पड़ा था, आप भूल गए। वैलेंसी सेवन में आप अगर भूल गए हैं तो याद रखेंगे 3s हम लोग 3p और 3d मैंने ये बताया था कि अगर घर में सब लोग अच्छे से रहे, सब लोग मिलजुल के ऐसे रह रहा है तो ग्राउंड स्टेट होता है, ये रूम पूरा खाली रहेगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 more 7 ऐसे, ये है ग्राउंड स्टेट, है याद आ रहा है। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, यहाँ से जंप करके इस रूम में चला गया ऐसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर यहाँ फाइटिंग हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फाइटिंग हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यही है ना, एक थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपको याद है, अभी पढ़े थे, यही है साइंस का थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और ये जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये जो है डी, लास्ट का जो डी है 3d है, यही 3d के 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, यही पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यूज होता है, तो ये तीनों चला गया क्या बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, 4 सिग्मा 1 2 3 4, उसी के चलते हाइब्रिडेशन आया sp3, और ये तीनों चला गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए। सिग्मा पाई पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, बट समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है, खूब अच्छे से आ रहा है समझ में, कि सिग्मा बॉन्ड बनाने में sp3 हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड, जो जानते हैं कि ये सिग्मा हुआ, ये पाई हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ और ये पाई हुआ, तीन पाई बनाने में कौन से यूज किया आपने, 3d, किसका, क्लोरीन का। तो इस बॉन्ड को एग्जाम में रहता है 3d पाई और ऑक्सीजन का 2p पाई, ऑक्सीजन का 2p पाई, ये बॉन्ड को बोलते हैं 3d पाई 2p पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड का नेचर पूछता है पेपर में कि कहाँ 3d बॉन्ड है, 3d पाई 2p पाई, तो वो वहाँ से, इसलिए आपको वैलेंसी जानेंगे तो बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। ये है फिगर, और अच्छा बनाना चाहिए, मैंने ऐसे स्क्वायर टाइप का बना दिया है फिगर, और बेटर फिगर आप बनाते 3d टाइप का तो ऐसे बनाते। सॉरी, बेस्ट फिगर बनाते तो ऐसे बनाते। ये है sp3, है ना, बेस्ट फिगर, 109 डिग्री 28 मिनट पे। sp3, तो ये सब चीजें अपने से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे वैलेंसी, कौन सा एक्साइटेड स्टेट, कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, शेप बना सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, sp3 s और p3 d चला गया पाई बॉन्ड बनाने में। अब पूछा जाता है कि 3d और 2p पाई। अब बनाइए दूसरा बनाइए HClO3। अगर मैं HClO3 कर दूं तो यहां हो गया 3, ये हो गया 6, यहां हो गया प्लस 5, क्लोरीन 5, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 5, ये है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट HClO3, इसको क्लोरिक एसिड बोला जाता है, HClO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, ये हटा दीजिए, बाकी अभी इसका हाइब्रिडेशन बनाते हैं HClO3, तो 1, 7 और 3,
26 जो भी नंबर है उसमें 8 डिवाइड कर दीजिए, 26 बाय 8, थ्री बॉन्ड पेयर, और 24 और 2 बच गया, रिमाइंडर 2 में 2 डिवाइड कर लीजिए, सो थ्री बॉन्ड पेयर और प्लस वन लोन पेयर, फोर इलेक्ट्रॉन पेयर के चलते अगेन हाइब्रिडेशन sp3, बट पिरामिडल, एक लोन पेयर आया ना, एक लोन पेयर के चलते पिरामिडल, सो वैलेंसी यहां पे 5, तो 5 बॉन्ड्स फॉर्म बाय क्लोरीन है, वही चीज है आपका, आप जानते हैं, इसको हटा दीजिए, अब इसको जरूरत नहीं है, इसका एक समझाना था वो हो गया, बाकी आप ड्राइंग कर लीजिए, ड्राइंग आपको करना है, हाइब्रिडेशन रखना है sp3। सो फिगर बनाएंगे तो फिगर कुछ ऐसे बना लेंगे, HO और CL ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे, और एक लोन पे यहाँ रखेंगे, है तो हाइब्रिडेशन अभी भी sp3, और 2 पाई बॉन्ड है क्योंकि D में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये है सिग्मा, ये सिग्मा पाई, फिर यहाँ सिग्मा और पाई, अगेन जो पाई आप देख रहे हैं बॉन्ड वो क्लोरीन की तरफ से आएगा 3D पाई, और ऑक्सीजन की तरफ से आएगा 2p पाई बॉन्ड, सो 3d पाई 2p पाई बॉन्ड हुआ ये। सो क्लोरिक एसिड, नाउ क्लोरस एसिड में आप 7-8 HClO2 कर लेंगे, बनी सब सारा बॉन्डिंग आप अपने से कंप्लीट करेंगे, यहां पे 2, तो ये हो गया 4, यहां हो गया 3 3 3, यह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन HClO2, यह है क्लोरस एसिड प्लस 3, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्राइंग करेंगे आप HClO3 HClO 2, 2, 20, 20 और डिवाइड करेंगे 8, 2 बॉन्ड पे और 4 बाय 2, तो 2 बॉन्ड पे प्लस 2 लोन पे, 4 इलेक्ट्रॉन पे, हाइब्रिडेशन sp3 और सेप तो एंगुलर, सो थ्री बॉन्ड, यहाँ पे थ्री बॉन्ड फॉर्म बाई क्लोरीन और सेप है एंगुलर, हाइब्रिडेशन तो sp3 ही है बट सेप एंगुलर हो जाएगा, फिगर बना लीजिए, फिगर बनाएंगे आप, सो HO और CL हो गया, थ्री बॉन्ड बना लीजिए और टू बॉन्ड पेयर कर दीजिए, अगेन पाई बॉन्ड जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो पाई बॉन्ड है वो सेम कॉन्सेप्ट है, ये पाई बॉन्ड जो हुआ आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड 3D पाई, क्लोरीन साइड से 3D पाई और ऑक्सीजन साइड से 2P पाई बॉन्ड हो गया। HClO, फाइनली HClO, नहीं सो 2 प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन 1 1, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन, HClO ये प्लस 1 हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड प्लस 1, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, बनिए ड्रॉइंग, यहां 1 हो गया,
14 by 8 has a hybridization sp3 ही है, 14 by 8 one bond pair 6 by 2, तो one bond pair 3 lone pair ना 3 and total हो गया 4 electron pair hybridization sp3 shape जो है वो linear है और valency of chlorine 1, so one bond formed by chlorine oxidation state 1 है। ड्राइंग कर लेंगे सिंपल ऐसे, यही तो ड्राइंग है और आप ड्राइंग करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में कोई पाई बॉन्ड बनेगा नहीं और एच ओ और सी एल और यहाँ पे लोन पेयर कर लीजिए, देखिए हाइड्रोजन बी एस पी थ्री हो गया होगी। तो चारों एसिड फिर से नेम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, हाइड्रेशन हो गया, ड्राइंग हो गया और एक एक लाइन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे पूछता है आईटी में कि ये जैसे चारों सेट दे देगा, ऐसे चारों सेट ऐसे लिखा रहेगा, बोलेगा कि मेरे पास है HClO4 है और HClO3 भी है, HClO2 भी है और फिर लिखा रहेगा HClO भी रहेगा, ऐसे चारों सेट दे देगा और बोलेगा कि बताइए सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन एटम, सो सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन एटम, चारों में आपको क्लोरीन एटम में सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो आंसर वन सेकेंड में आप बना सकते हैं और 3, 4, 5, 6, 7, 0, 7 हो गए। सो पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, नेक्स्ट है 2 है, नेक्स्ट है 3 है, सो 6 है, 6 आ रहा है मेरा, 6। आप जानते हैं इसका ड्राइंग अभी पढ़े हुए थे, इसका ड्राइंग आप पढ़ेंगे तो ये एच ओ सिंपल ड्राइंग, तो यहाँ पे क्लोरीन पे कोई लोन पेयर नहीं है, कहीं कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पढ़ेंगे तो एच ओ और सी एल, यहाँ क्लोरीन पे एक लोन पेयर आएगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो एच ओ सी एल और डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन पे दो लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे एच ओ सी एल, यहाँ क्लोरीन पे तीन लोन पेयर रहेगा, चेक करेंगे सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। नेक्स्ट